गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने चेकआउट कर लिया है फ्रॉम दिस पंचवटी होम स्टे। बहुत ही अच्छा होम स्टे था एट मलपे। तो मलपे इज द प्रोनाउंसिएशन जो हमको लोकल से पता चला। तो ये ऑन द रोड है एंड हमने है ना अभी मलपे बीच का डेस्टिनेशन लगाया। इट्स लाइक 6 मिनट्स ओनली। तो आज की वीडियो में है ना हम कर्नाटका छोड़ के केरला जाने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम कर्नाटका के कुछ ऐसे अनसीन बीचेस दिखाएंगे ना आपको, शायद बहुत का नाम आपने नहीं सुना है अगर आप कर्नाटका से नहीं हो तो। मे बी फॉर कर्नाटका पीपल अपना घर का बीच है, बट चलो देखते हैं कैसे है ये अनसीन बीच, बिकॉज मेरे लिए भी अनसीन है ये सब। तो बने रहो वीडियो में। नाश्ता तो हमने सुबह को मंगा के कर लिया था, ये कुछ रेडिसन का यहाँ पे प्रॉपर्टी था वहीं से मंगाया था। तो अभी तो और हम लोग को ब्रेक्स नहीं लेना है, तो मलपे देखेंगे फिर सीधा चलेंगे आगे। रात को अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था, बट ये रोड सच में ग्रेट है। ट्रैफिक सीधा है बीच का एंट्री। गाड़ी क्यों रुका हुआ है, पार्किंग के लिए या? I'm not sure. कुछ पे वे करना पड़ेगा क्या? कल रात को तो ऐसे ही घूमने गए थे। What is this for? Entry and parking. Okay. But yesterday no one charged any money. 9 PM. 9 PM कोई नहीं। 9 PM कोई नहीं। 7 o'clock last. अच्छा उसके बाद free entry. हाँ. Okay. Parking है ना बीच का? हाँ. ओके थैंक यू। बीच के एंट्री बहुत ही वाइड है ना रिया, कंपेयर टू द गोवन बीचेस एंड अदर बीचेस काफी वाइड है। एंड यहां पे स्टोर्स भी हैं आपके। अरे पीछे अपना 15 बोतल का जो पानी का बोतल लिया ना वो किचकिच कर रहा है, किचकिच। इसको सेट करना पड़ेगा। चलो चलते हैं कुछ करने का नहीं, स्टोर में देखना था मुझे। चलो स्टोर में चलो देखते हैं। तो मलपे बीच में है अभी हम लोग, उतना कुछ है नहीं और बहुत धूप है। तो वी आर थिंकिंग कि अगर स्टोर में कुछ देखते हैं, चाय वाय पी के निकलते हैं यहाँ से। है यहाँ पे स्पोर्ट्स वोर्ट्स वगैरह तो है, तो यू कैन स्पेंड सम टाइम इफ़ यू वांट टू। अदरवाइज और कुछ अनसीन बीचेस तो मैं आपको अभी लेके जाने वाला हूँ ना। अच्छा लग रहा है यहाँ, कॉफ़ी मिलेगा क्या कहीं पर? अच्छा वाला अंदर है क्या बीच के? नहीं उधर नहीं जाएंगे, चल चलते रास्ते में देखेंगे। मालपे बीच घूम के आ चुके हैं, रिया को टोपी पहना दिया गया है और बीच है ना उतना मजा नहीं आया। जो पार्किंग है यहीं पे थोड़ा सा स्मेल हो रहा था फिशेस का। तो एक्चुअली व्हाट वी गॉट टू नो ना, यहाँ पे सुबह 4:30-5 बजे ना यहाँ पे पोर्ट है एंड मस्त ऑक्शन वाली ट्रेडिंग होती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव ए लुक एट दैट। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं Q7 देख रहा हूँ, एक मस्ती Q7 गई। तो एनीवेज अच्छा वो देखो उनका घर है, नहीं वो स्टे बुक किया होगा या पार्किंग ढूंढ रहे हैं। एनीवेज वो जहाँ जा रहे हैं जाने दो। अब हम जा रहे हैं ब्लू व्हेल बीच। वहाँ पे क्या मिलेगा, व्हेल मिलेगा कि नहीं वो तो जाके पता चलेगा, देखते हैं। तो इट्स लाइक 11 मिनट्स फ्रॉम हियर। तो मलपे मज़ा नहीं आया, अब ब्लू व्हेल कैसा है लेट्स सी। मलपे के गलियों में हम घूम रहे हैं। यहाँ मिलेगा क्या कॉफ़ी? यहाँ रहने देते हैं अभी। पोर्ट टाइप का लग रहा है देखो, यहीं से लेके जाते होंगे। वाओ इतने सारे बोट्स, पूरा फिशरीज वाले एरिया से जा रहे हैं। ये देखो कितने सारे बोट्स हैं और वो ट्रक्स पूरे मछली की जाली है। और यहाँ से पूरा ट्रेडिंग यही होता होगा, कहीं पे ऑप्शन यही पे होता होगा शायद। बहुत सही लग रहा है ना, सिंगल लेन ब्रिज है इसलिए नहीं रुक रहा हूँ, बट रुकने का बहुत मन कर रहा है मेरे को यहाँ पे। आई एम टोटली एक्साइटेड अबाउट दिस पैच, देखते हैं जितना एक्साइटमेंट था उतना आता है कि नहीं। वो देखो दैट इज द कोस्ट एंड वी विल टर्न लेफ्ट हियर टुवर्ड्स द ब्लू व्हेल बीच। वाओ देखो कोकोनट ट्रीज है ना, हमेशा पानी की तरफ लीन रहता है। अच्छा एग्जाम्पल है, सच में ब्यूटी है यार, ये देखो ना। वी हैव रीच ब्लू व्हेल बीच। मलपे से तो ये बहुत शांत लग रहा है, चलो एक बार जाके देखते हैं। दिस इज ए व्हेल स्कल और यहाँ पे ऐसे स्टेज ज्यादा नहीं है, ये एक है ब्लू व्हेल बीच कॉटेज करके, एक बार देखते हैं थोड़ा सा ड्रोन वोन उड़ाया जाए तो।
सिया ढूंढ रही है चाय का दुकान। ब्लू व्हेल बीच में हमने अच्छे से शॉट्स लिए। व्हेल का जो स्कल है पता नहीं वो कहाँ से जुगा रहा है इन लोगों ने, बट दिस इज अ रियल स्कल। बहुत कम लोग थे, हार्डली गिन के उनके 8 से 10 लोग बीच में। इट्स रियली सेक्लूडेड बीच। और ये जो रोड है ना, आप देखो ये साइड में ना रिवर है, वहाँ दूर पे छोटा सा रिवर दिख रहा होगा, बट मैं उतना हाई ड्रोन उड़ाया नहीं बिकॉज बहुत चीले थी ऊपर, तो आई थॉट कि नहीं उड़ाना सही होगा। तो ये देखो कितना पतला रोड है। ये सब मट्टू बीच का भी डेस्टिनेशन लगाए हैं, देखते हैं। व्यू देखो यार, पारा रोड फेल है इसके सामने। और पूरे जो मैं बोला ना, कोकोनट ट्रीज आर लीन टुवर्ड्स द बीच ऑन दैट साइड। अब लग रहा है कि हम अनसीन कुछ देख रहे हैं। कुडली बीच, ओम बीच, मालपे, ये सब तो कॉमन है। और यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? तो रील्स बनाने के लिए शूट ले रही हूं। अगर आप हमको इंस्टा में फॉलो नहीं करते हो तो आईडी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप फॉलो कर लो। ऐसे हम जहाँ भी जाते हैं ना आपको लाइव मिलेंगे। और वीडियो तो क्या है ना, हम सरकारी नौकरी नहीं, हम प्राइवेट नौकरी के साथ थोड़ा टाइम लगाते हैं एडिट करने के लिए, फिर आपको मिलता है। रिया, आज शायद केरल नहीं जा पाएंगे। इतना सुंदर, इतना ब्यूटी। वो देखो उधर है अपनी गाड़ी के उस तरफ है रिवर, और इस तरफ है समुंदर। एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कोई प्लेस इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। एंड यस, दिस इज ऑन अर्थ, दिस इज कर्नाटका एंड नियर टू उडुपी, नियर टू मैंगलोर। बहुत सही जगह है ये। राइट में जैसे ये स्टोन वाले बने हुए हैं ना, ये दिस इज मोर रिजेम्बलिंग टू क्या, मवारत्ने बीच, क्या बीच था वो? मारवंते बीच, जो आपका NE66 में पड़ता है। कल आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि हम रात को क्रॉस कर रहे थे ना, भटकल के पास पड़ता है। ऐसे ही ऐसे स्टोन बने हुए थे, इसका हमने ऊपर से भी एक अच्छा सा शॉट लिया है। बहुत सही है। बट अभी है ना, दोनों को चाय की तलब लगी है एंड वॉशरूम का ब्रेक तो चाहिए। बहुत टाइम पास कर दिया, सुबह के 11:15 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। उधर ही देख के गाड़ी चला रहा हूँ। ऑन द राइट यू सी दैट आइलैंड। और ये जो बीच है ये मट्टू बीच बोलते हैं, MATTU। यहाँ पे चाय कॉफी कुछ मिलेगा, ये तो अरुण आइसक्रीम बेच रहा है। निकलते हैं आगे, कैफे में चलते हैं। इस रोड में कैफे मिलना मुश्किल है, देखते हैं आगे आगे। और ठीक है, बीच का एक्सटेंशन है ना ये। मैप में हम लोग मट्टू बीच क्रॉस कर चुके हैं। अच्छे शेड्स बनाए हैं बैठने के लिए। देखिए यहाँ पे कोई फ्लैग लेके मस्त निकल रहे हैं, सेलिब्रेशन पता नहीं कुछ तो सेलिब्रेशन है, बट अच्छा लगता है हमें ना। ये देखिए पूरा गांव के अंदर से जा रहे हैं। और ये रोड एक्चुअली जो हमने ब्लू व्हेल बीच देखा ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस साइड में जो बीचेस है, ब्लू व्हेल के बाद मट्टू क्रॉस करके हम कापू लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, एंड उसके बाद यही पद्मविद्री बीच भी जाएगा। दैट इज वन ऑफ द टॉप 10 बीचेस ऑफ इंडिया। ये अन्ना के पास रुके थे, मस्त उन्होंने ना पूरी तल के दिया हम लोगों को, और पूरी और चाय 60 रुपए का पीते हुए निकल रहे हैं। कापू बीच में शायद वॉशरूम मिल जाएगा, कापू बीच रुकते हैं फिर चलते हैं। थोड़ा सा पेट पूजा भी हो गया ना, बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हमने बहुत सुबह खाए थे ना, जल्दी निकलने के चक्कर में, बट अनफॉर्चुनेटली हम निकले थे जल्दी नहीं। बाजू वाले पूरी खा रहे थे, हमने वहीं पे हमला बोल दिया। यही लगा देते हैं ना। हाँ। तो हम पहुंच चुके हैं कापू बीच। ये टोपी पहना दिया है देखो। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स तो खुले हुए हैं, मतलब लोग नहीं होते हैं। तो ये है कापू बीच का लाइट हाउस। अभी तो हम लोग इसको बाहर से ही देख सकते हैं, उसको अंदर जाने का टाइमिंग कुछ 5 PM के बाद है। One more U-turn
और हम लोग जा रहे हैं पदुबिद्री बीच के तरफ। पदुबिद्री एक जो टाउन है, वी जस्ट क्रॉस। थोड़ा माइक मेलफंक्शन हो गया, पता नहीं हम लोगों का प्रीवियस ऑडियो आया कि नहीं, नहीं तो शायद कुछ पार्ट स्किप करना पड़ेगा। तो विल टेक ए लेफ्ट हियर। वेलकम टू पदुबिद्री, ये लिखा है। वाओ, यहाँ पे थोड़ा सा हाई NH66 से डायवर्शन लेने से ही ना यू गेट दिस ग्रीन, है ना? हाँ, पूरा ग्रीन हो जाता है। जहाँ मन किया वहीं जाके रुक जाओ। और इतना ब्यूटीफुल है ना ये साइड के, मतलब ऐसे टाइम लेके आने से ही अच्छा है। ऐसे वीकेंड में आज हम लोग करते ना अलीबाग जाके चले गए, ये वैसा जगह नहीं है यार। अपना तो माइक गया, स्वयं अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ऐसे ही थोड़ा सा खराब ऑडियो चलेगा। वी आर जस्ट एंटरिंग पदुबिद्री बीच। पदुबिद्री इज ब्लू फ्लैग बीच, और ब्लू फ्लैग बीच मतलब ब्लीच नहीं, बीच मतलब आप वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो। कहाँ लगाए गाड़ी? वहाँ पे लगा रहे क्या लोग? धूप में आधे घंटे एक घंटे बैठने के बाद देखो हालत। मैंने ऑलरेडी फेस क्लीन कर लिया है, घर पे वीडियो कॉल करके पता चला कि हम लोग टैन हो गए बहुत। तो एनीवेज, इट वाज अ वेरी नाइस टाइम स्पेंड इन दिस बीच, पदुबिद्री बीच, ब्लू फ्लैग। यहाँ पे जो येलो टपड़ी था ना, टपड़िया जो भी है, जगह मिला तो हम वहाँ पे अपना बिस्तर जमा के बैठ गए। तो चलो अब इस ब्लॉग को है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। उडुपी में हमने अच्छा खासा टाइम पास कर लिया। दिस इज़ लाइक एक्सटेंडेड उडुपी, ये ऑलमोस्ट मैंगलुरु के पास है। मैंगलुरु ना, हाँ मैं ऑलमोस्ट मैंगलुरु उडुपी के बीच में है। एग्जैक्टली। तो यहाँ से अभी है ना हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे एंड आगे चलेंगे केरला की तरफ। तो आप पूरे सीरीज में बने रहो और ट्रेवल एडिक्शन को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है तो, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय।